everyone, my name is Megha Goel and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते. कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु के लिए और ग्रह गुरु के लिए माना जाता है. भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से आपको सारी सुख संपदा अपने जीवन में मिलती है और गुरु ग्रह आपके जीवन में वैवाहिक और संतान सुख देता है. आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि आपको गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करें. भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और पूजा संपन्न होने के बाद वही हल्दी का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं. गुरुवार के दिन भगवान शिव को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. इससे आपका गुरुदोष खत्म होता है. गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए व्रत रखें और इस दिन केला नहीं खाएं, नमक नहीं खाएं. गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करें. गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें. शाम को केले के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. गुरुवार के दिन अपने माता पिता के पैर ज़रूर छुएं. ऐसा करने से आपके जीवन में वैवाहिक संबंधी प्रॉब्लम्स, धन संपत्ति को लेके प्रॉब्लम्स दूर होंगी. ये बात करी कि आपको गुरुवार के दिन क्या करना चाहिए. अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए. गुरु, पिता, साधु, संत ये सब गुरु के रूप हैं. गुरुवार के दिन आप इनमें से किसी का भी अपमान नहीं करें. आप किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएं. गुरुवार के दिन ना तो खिचड़ी घर में बनाएं और ना ही खिचड़ी खाएं. गुरुवार के दिन कहा जाता है कि स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए. इससे उनके जीवन में गुरुदोष के कारण उनके वैवाहिक तथा संतान सुख में कमी होती है. गुरुवार के दिन पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए. इससे उनको गुरुदोष लगता है और उनके जीवन में सुख संपत्ति की कमी होती है. गुरुवार के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए. नाखून काटने से घर में नकारात्मकता आती है. गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए. गुरुवार के दिन कोई भी धार्मिक पुस्तक, किताब या पूजा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए. ये कुछ खास बातें गुरुवार से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई. इन बातों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करिए. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूँ ही फैलाते रहिए. जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहें. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. माई नेम इज़ मेघा गोयल. आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंगशुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच. Angels love for everyone. Atma Namaste.